शिव पूजा के अंगभूत होम की विधि। भगवान महेश्वर कहते हैं, स्कंद पूजन के पश्चात अपने शरीर को वस्त्र आदि से आवृत करके हाथ में अर्ध पात्र लिए उपासक अग्निशाला में जाएं और दिव्य दृष्टि से यज्ञ के समस्त उपकरणों की कल्पना संग्रह करें। उत्तराभिमुख हो कुंड को देखें, कुशों द्वारा उनका प्रोक्षण एवं ताड़न मार्जन करें। ताड़न तो अस्त्र मंत्र फट से करें, किंतु उसका अभ्योक्षण कवच मंत्र होम से करना चाहिए। खड्ग से कुंड का खात उद्धार पूर्ण और समता करें। कवच होम से उसका अभिषेक और शरमंत्र फट से भूमि को कुटने का कार्य करें। सम्मार्जन उपलेपन कलात्मक रूप की कल्पना त्रिसूत्री परिधान तथा अर्चन भी सदा कवच मंत्र से ही करना चाहिए। कुंड के उत्तर में तीन रेखा, एक रेखा नीचे खींचे जो पूर्वाभिमुखी हो और ऊपर से नीचे तक की ओर गई हो। कुश अथवा त्रिशूल से रेखा करनी चाहिए अथवा उन सभी रेखाओं में उलट फेर भी किया जा सकता है। अस्त्र मंत्र फट का उच्चारण करके वज्रीकरण की क्रिया करें। नम का उच्चारण करके कुशों द्वारा चतुष्पथ का न्यास करें। कवच मंत्र हुम बोलकर अक्षपात्र का और हृदय मंत्र नमः से विष्टर का स्थापन करें। वागीश्रवे नमः ईशाय नमः ऐसा बोलकर वागीश्वरी देवी तथा ईश का आवाहन एवं पूजन करें। इसके बाद अच्छे स्थान से शुद्ध पात्र में रखी हुई अग्नि को ले आवें। उसमें से क्रव्यादमग्नि प्रहीणोमि दूरम इत्यादि मंत्र के उच्चारण पूर्वक क्रव्याद के अंशभूत अग्निकण को निकाल दें। फिर निरीक्षण आदि से शोधित औदर्य ऐदव तथा भौत इन त्रिविध अग्नियों को एकत्र करके ओम हुम व्रही चैतन्याय नमः का उच्चारण करके अग्नि बीज रम के साथ स्थापित करें। संहिता मंत्र से अभिमंत्रित धेनु मुद्रा के प्रदर्शन पूर्वक अमृतीकरण की क्रिया से संस्कृत अस्त्र मंत्र से सुरक्षित तथा कवच मंत्र से अवगुंठित एवं पूजित अग्नि को कुंड के ऊपर प्रदक्षिणा क्रम से तीन बार घुमाकर ये भगवान शिव का विजय है ऐसा चिंतन करके ध्यान करें कि वागीश्वरी देव ने इस बीज को वागीश्वरी के गर्भ में स्थापित किया है। इस ध्यान के साथ मंत्र साधक दोनों घुटने पृथ्वी पर टेक कर नमस्कार पूर्वक उस अग्नि को अपने सम्मुख कुंड में स्थापित कर दें। तत्पश्चात जिसके भीतर बीज स्वरूप अग्नि का आधान हो गया है उस कुंड के नाभि देश में कुशों द्वारा परिसीमन करें। परिधान संभार शुद्धि आचमन एवं नमस्कार पूर्वक गर्भाग्नि का पूजन करके उस गर्भज अग्नि की रक्षा के लिए अस्त्र मंत्र से भावना द्वारा श्री वागीश्वरी देवी के पाणि पल्लों में कंकण या रक्षा सूत्र बांधें। सद्योज्जात मंत्र से गर्भाधान के उद्देश्य से अग्नि का पूजन करके मंत्र हृदय से तीन आहुतियां दें। फिर भावना द्वारा ही तृतीय मास में होने वाले पुंसवन संस्कार की सिद्धि के लिए वामदेव मंत्र द्वारा अग्नि की पूजा करके शिर से स्वाहा बोलकर तीन आहुतियां दे। इसके बाद उस अग्नि पर जल बिंदुओं से छींटा दे। तदनंतर छठे मास में होने वाले सिमोन्तनयन संस्कार की भावना करके अघोर मंत्र से अग्नि का पूजन करके शिष्टाय वशट का उच्चारण करते हुए तीन आहुतियां दें तथा शिखा मंत्र से ही मुख आदि अंगों की कल्पना करके मुख का उद्घाटन एवं प्रकटीकरण करें। तत्पश्चात पूर्ववत दसवें मास में होने वाले जात कर्म एवं नरक कर्म की भावना से तत्पुरुष मंत्र द्वारा गर्भ आदि से अग्नि का पूजन एवं प्रज्वलन करके गर्भमल को दूर करने वाला स्नान करावे तथा ध्यान द्वारा देवी के हाथ में सुवर्ण बंधन करके हृदय मंत्र से पूजन करे। फिर सूतक की तत्काल निवृत्ति के लिए अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित जल से अभिषेक करें। कुंड का बाहर की ओर से अस्त्र मंत्र के उच्चारण पूर्वक कुशों द्वारा तारण या मार्जन करें। फिर होम का उच्चारण करके उसे जल से सींचें। तत्पश्चात कुंड के बाहर मेखलाओं पर अस्त्र मंत्र से उत्तर और दक्षिण दिशाओं में पूर्वाग्र तथा पूर्व और पश्चिम दिशाओं में उत्तराग्र कुशाओं को बिछाएं। उन पर हृदय मंत्र से परिधि विस्तर आठों दिशाओं में आसन विशेष स्थापित करें। इसके बाद सद्योज्जातादि पांच मुख संबंधी मंत्रों से तथा अस्त्र मंत्र से नालच्छेदन के उद्देश्य से पांच संविधाओं के मूल भाग को धीमे डुबोकर उन पांचों की आहुतियां दें। तदनंतर ब्रह्मा शंकर विष्णु और अनंत दुर्वा और अक्षत आदि से पूजन करें। पूजन के समय उनके नाम के अंत में नमः जोड़कर उच्चारण करें तथा ब्राह्मणे नमः शंकराय नमः विष्णवे नमः अनंताय नमः। फिर कुंड के चारों ओर बिछे हुए पूर्वोक्त आठों विस्तरों पर पूर्वादि दिशाओं में क्रमशः इंद्र अग्नि यम निर्यति वरुण वायु कुबेर और ईशान का आह्वान और स्थापन करके ये भावना करें कि उन सब का मुख अग्निदेव की ओर है।
फिर उन सब की अपनी अपनी दिशा में पूजा करें। पूजा के समय उनके नाम मंत्र के अंत में नमः जोड़कर बोलें तथा इंद्राय नमः इत्यादि। इसके बाद उन सब देवताओं को भगवान शिव की ये आज्ञा सुनावें। देवताओं, तुम सब लोग विघ्न समूह का निवारण करके इस बालक अग्नि का पालन करो। तदनंतर उधर्व, मुख, श्रुक और स्त्रु को लेकर उन्हें बारी बारी से 3 बार अग्नि में तपावें। फिर कुश के मूल, मध्य और अग्रभाग से उनका स्पर्श करावें। कुश से स्पर्श कराए हुए स्थानों में क्रमशः आत्मतत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का न्यास करें। न्यास वाक्य इस प्रकार है, ओम हाम आत्मतत्वाय नमः, ओम हिम विद्या तत्वाय नमः, ओम हुम शिव तत्वाय नमः। तत्पश्चात श्रुक में नमः के साथ शक्ति का और श्रुक में शिव का न्यास करें, शक्ताय नमः शिवाय नमः। फिर 3 आवृत्ति में फैले हुए रक्षा सूत्र से श्रुक और श्रुक दोनों के ग्रीवाभाग को आवश्यक करें। फिर दाहिने पुष्पादि से उनका पूजन करके अपने दाहिने भाग में कुशों के ऊपर उन्हें रख दें। फिर गाय का घी लेकर उसे अच्छी तरह देखभाल कर शुद्ध कर लें और अपने स्वरूप के ब्रह्ममय होने की भावना करके उस घी के पात्र को हाथ में लेकर हृदय मंत्र से कुंड के ऊपर अग्नि कुंड में घुमाकर पुनः अपने स्वरूप के विष्णुमय होने की भावना करें। तत्पश्चात ऋत को ईशान कोण में रखकर कुशाग्र भाग से घी निकाले और शिर से स्वाहा एवं विष्णवे स्वाहा बोलकर भगवान विष्णु के लिए उस धृत बिंदु की आहुति दे। अपने स्वरूप के रुद्रमय होने की भावना करके कुंड के नाभि स्थान में धृत को रखकर उसका आप्लावन करें। फैलाए हुए अंगूठे से लेकर तर्जनी तक की लंबाई को प्रादेश कहते हैं। प्रादेश बराबर लंबे 2 कुशों को अंगुष्ठ तथा अनामिका, इन 2 अंगुलियों से पकड़कर उनके द्वारा अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक अग्नि के सम्मुख घी को प्रवाहित करें। इसी प्रकार हृदय मंत्र नमः का उच्चारण करके अपने सम्मुख भी धृत का आप्लावन करें। नमः के उच्चारण पूर्वक हाथ में लिए हुए कुश के दग्ध हो जाने पर उसे शस्त्रक्षेप फट के उच्चारण के द्वारा पवित्र करें। एक जलते हुए कुश से उसकी निराजना आरती करके फिर दूसरे कुश से उसे जलावें। उस जले हुए कुश को अस्त्र मंत्र से पुनः अग्नि में ही डालें। तत्पश्चात धृत में एक प्रादेश बराबर कुश छोड़ें जिसमें गांठ लगाई गई हो। फिर धीमे 2 पक्षों तथा इडा आदि 3 नाड़ियों की भावना करें। इडा आदि 3 भागों से क्रमशः श्रु द्वारा घी लेकर उसका होम करें। स्वादारा उच्चारण करके श्रुवावस्थित घी को अग्नि में डालें और हा का उच्चारण करके पुतशेष घी को उसे डालने के लिए रखे हुए पात्र विशेष में छोड़ दें। अर्थात स्वाहा बोलकर क्रमशः दोनों कार्य अग्नि में हवन और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। प्रथम इडा भाग से घी लेकर ओम हाम अग्ने स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके घी का अग्नि में फोम करें और हुतशेष का पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। इसी प्रकार दूसरे पिंगला भाग से घी लेकर ओम हाँ सोमाय स्वाहा बोलकर घी में आहुति दें तथा शेष पात्र विशेष में प्रक्षेप करें। फिर तुषुम्ना नामक तृतीय भाग से घी लेकर ओम हाग्निमो सोमाभ्याय स्वाहा बोलकर श्रुवा द्वारा घी अग्नि में डालें और शेष का पात्र विशेष में प्रक्षेपण करें। तत्पश्चात बालक अग्नि के मुख में त्रिनय के स्थान विशेष में 3 नेत्रों का उद्घाटन करने के लिए धृतपूर्ण श्रु द्वारा निम्नांकित मंत्र बोलकर अग्नि में 4थी आहुति दें। ओम हाम अग्ने शिष्ट कृते स्वाहा। तत्पश्चात पहले अध्याय में बताए हुए ओम हाँ हृदयाय नमः आदि 6 अंग संबंधी मंत्रों द्वारा घी को अभिमंत्रित करके धेनु मुद्रा जगावे। फिर कवच मंत्र होम से अवगुंठित करके शर मंत्र फट से उसकी रक्षा करे। इसके बाद हृदय मंत्र से धृत बिंदु का उक्तक्षेपण करके उसका अभ्युक्षण एवं शोधन करें। साथ ही शिव स्वरूप अग्नि के 5 मुखों के लिए अभिधार होम, अनुसंधान होम तथा मुखों के एकीकरण संबंधी होम करें। अभिभार होम की विधि यूं है, ओम हां सद्यो जाताय स्वाहा, हां वामो देवाय स्वाहा, हां अघोराय स्वाहा, ओम हां तत्पुरुषाय स्वाहा, ओम हां ईशानाय स्वाहा। इन 5 मंत्रों द्वारा सद्यो जातादि 5 मुखों के लिए अलग अलग क्रमशः घी की 1-1 आहुति देकर उन मुखों को अभिघारित घी से आप्लावित करें। यही मुखाभिहार संबंधी होम है। तत्पश्चात 2-2 मुखों के लिए 1-7 आहुति दें। यही मुखानुसंधान होम है। ये होम निम्नांकित मंत्रों से संपन्न करें। तदनंतर कुंड में अग्नि कुंड से वायव्य कुंड तक तथा नैऋत्य कुंड से ईशान कुंड तक घी की अविच्छिन्न धारा द्वारा आहुति देकर उक्त 5 मुखों की एकता करें। इस मंत्र से 5 मुखों के लिए 1 ही आहुति देने से
उन सब का एकीकरण होता है। इस प्रकार इष्टमुख में सभी मुखों का अंतर्भाव होता है, अतः वो एक ही मुख उन सभी मुखों का आकार धारण करता है, उन सब के साथ उसकी एकता हो जाती है। इसके बाद कुंड के ईशान कोण में अग्नि की पूजा करके अस्त्र मंत्र से 3 आहुतियां देकर अग्नि का नामकरण करें। हे अग्निदेव, तुम सब प्रकार से शिव हो, तुम्हारा नाम शिव है। इस प्रकार नामकरण उनके नमस्कार पूर्वक पूजित हुए माता पिता बागेश्वरी एवं बागेश्वरी अथवा शक्ति एवं शिव का अग्नि में विसर्जन करके उनके लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति दें। मूल मंत्र के अंत में वौषट पद जोड़कर यथा ओम नमः शिवाय वौषट ऐसा कहकर शिव और शक्ति के लिए विधि पूर्वक पूर्णाहुति देनी चाहिए। पश्चात हृदय कमल में अंग और सेना सहित परम तेजस्वी शिव का पूर्ववत आह्वान करके पूजन करें और उनकी आज्ञा लेकर उन्हें पूर्णतः तृप्त करें। यज्ञाग्नि तथा शिव का अपने साथ नाड़ी संधान करके अपनी शक्ति के अनुसार मूल मंत्र से अंगों सहित दशांश होम करें। दूध घी और मधु का एक एक कर्ष 16 माशा होम करना चाहिए। दही की आहुति की मात्रा 1 सुत ही बताई गई है। दूध आहुति का मान 1 पसर है। सभी भक्ष पदार्थों तथा लावा की आहुति की मात्रा 1-1 मुट्ठी है। मूल के 3 टुकड़ों की 1 आहुति दी जाती है। फल की आहुति उसके अपने ही प्रमाण अनुसार दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में छोटा हो या बड़ा 1 फल देना चाहिए, उसे खंडित नहीं करना चाहिए। अन्न की आहुति का मान 0.5 ग्रास है। जो सूक्ष्म किसमस आदि वस्तुएं हैं उन्हें 1 बार 5 की संख्या में लेकर होम करना चाहिए। 1 की आहुति का मान 1 पोर है। लताओं की आहुति का मान 2-2 अंगुल का टुकड़ा है। पुष्प और पत्र की आहुति उनके अपने ही मासे में दी जाती है, अर्थात 1 आहुति में पूरा पूरा फूल और पूरा 1 पत्र देना चाहिए। समिधाओं की आहुति का मान 10 अंगुल है। कपूर चंदन केसर और कस्तूरी से बने हुए दक्ष कर्दम अनुलेप विशेष की मात्रा 1 कलाए मटर या केराव के बराबर है। गुग्गुल की मात्रा बेर के बीज के बराबर होनी चाहिए। कंधों के 8वें भाग से 1 आहुति दी जाती है। इस प्रकार विचार करके विधि पूर्वक उत्तम होम करें। इस तरह प्रणव तथा बीज पदों से युक्त मंत्रों द्वारा होम कर्म संपन्न करना चाहिए। तदनंतर घी से भरे हुए श्रुक के ऊपर अधोमुख श्रुक को रखकर श्रुक के अग्रभाग में फूल रखते हैं। फिर बाएं और दाएं हाथ से उन दोनों को शंख की मुद्रा से पकड़ें। इसके बाद शरीर के ऊपरी भाग को उन्नत रखते हुए उठकर खड़ा हो जाएं। पैरों को संभाव से रखें। श्रुक और श्रुक दोनों के मूल भाग को अपनी नाभि में टिका दें। नेत्रों को सुख के अग्रभाग पर ही स्थिरता पूर्वक जमा रखें। ब्रह्मा आदि कारणों का त्याग करते हुए भावना द्वारा सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से निकलकर ऊपर उठें। सुनुक्सु के मूल भाग को नाभि से ऊपर उठाकर बाएं स्तन के पास ले आवें। अपने तन मन से आलस्य को दूर रखें तथा ओम नमः शिवाय वौषट इस प्रकार मूल मंत्र का वौषट पर्यंत स्पष्ट मंद स्वर से उच्चारण करें और उस घी को जौ की सी पतली धारा के साथ अग्नि में होम कर दें। इसके बाद आचमन चंदन और तांबूल आदि देकर भक्तिभाव से भगवान शिव के ऐश्वर्य की वंदना करते हुए उनके चरणों में उत्तम साष्टांग प्रणाम करें। फिर अग्नि की पूजा करके ओम हस्त्राय फट के उच्चारण पूर्वक संहार मुद्रा के द्वारा संवरों का अपहरण करके इष्ट देव से भगवान मेरे अपराध को क्षमा करें ऐसा कहकर हृदय मंत्र से पूरक प्राणायाम के द्वारा उन तेजस्वी परिधियों को बड़ी श्रद्धा के साथ अपने हृदय कमल में स्थापित करें। संपूर्ण पाक रसोई से अग्रभाग निकालकर कुंड के समीप अग्निकोण में 2 मंडल बनाकर एक में अंतर बलि दें, दूसरे में बाह्य बलि। प्रथम मंडल के भीतर पूर्व दिशा में ओम हा रुद्रभे स्वाहा इस मंत्र से रुद्रों के लिए बलि उपहार अर्पित करें। दक्षिण दिशा में ओम हाम मातृभ्य स्वाहा कहकर मातृका के लिए पश्चिम दिशा में ओम हा गणभे स्वाहा तेजभ्यो बलिरस्तु ऐसा कहकर गणों के लिए उत्तर दिशा में ओम हाम यक्षम्भे स्वाहा तेजोम्भे स्वाहा बलिरस्तु कहकर यक्षों के लिए ईशान कोण में ओम हा ग्रभ्य स्वाहा देवाभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर ग्रहों के लिए अग्निकोण में ओम हाम असुरभ्य स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर असुरों के लिए नैऋत्य कोण में ओम हा रक्षाभ्यो स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर राक्षसों के लिए वायव्य कोण में ओम हा नागभ्य स्वाहा तेभ्योम बलिरस्तु ऐसा कहकर नागों के लिए तथा मंडल के मध्य भाग में ओम हा
नक्षत्रेभ्य स्वाहा देवोभ्यम बलिरस्तु, ऐसा कहकर नक्षत्रों के लिए बलि अर्पित करें। इसी तरह ओमहा राशिभ्य स्वाहा देवोभ्यम बलिरस्तु, ऐसा कहकर अग्निकोण में राशियों के लिए ओमहा विश्वाभ्यो देवाभ्यो स्वाहा देवाभ्यो बलिरस्तु, ऐसा कहकर नैऋत्य कोण में विश्व देवों के लिए तथा ओमहाम क्षेत्रपालाय स्वाहा दस्मार्यम बलिरस्तु, ऐसा कहकर पश्चिम में क्षेत्रपाल को बलि दें। तदनंतर दूसरे ब्राह्य मंडल में पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से इंद्र अग्नि यम नैऋत्य जलेश्वर वरुण वायु धनरक्षक कुबेर तथा ईशान के लिए बलि समर्पित करें। फिर ईशान कोण में ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा कहकर ब्रह्मा के लिए तथा नैऋत्य कोण में ओम विष्णवे नमः स्वाहा कहकर भगवान विष्णु के लिए बलि दें। मंडल से बाहर काक आदि के लिए भी बलि देनी चाहिए। अंतर और बाह्य दोनों बलियों में उपर्युक्त होने वाले मंत्रों को संहार मुद्रा के द्वारा अपने आप में समेट लें।